العمد. ليو ليو البعض في استهدر العمد يكسر सुना था मौत को करीब से देखकर इंसान को अपने अच्छे बुरे काम किसी फिल्मी ट्रेलर जैसे दिखने लग जाते हैं। टेबल पर लेटे हुए घायल आर्थर और रोमान का भी यही हाल था। मानो इसी पल का इंतजार हो उसे, जब मौत को सामने देख उसे समझ आ जाए कि उसकी जिंदगी का सच्चा प्यार कौन था। क्या वो लॉरा थी जो 14 साल से उसकी बीवी बनकर उसका साथ निभा रही थी, या फिर मोनिका जिसने उसमें जवान होने का जोश भर दिया था। पर अफसोस, आर्थर को अंदाजा नहीं था कि हम उसकी गोली निकाल पाएंगे या उन सवालों के जवाब पाने से पहले उसकी सांसें रुक जाएंगे। और सच कहूं तो हमारी मेडिकल ट्रेनिंग उसे बचाने के लिए काफी नहीं थी। ये है इन्फीरियर वेन, दोनों किडनियां, ये राइट वाली और ये लेफ्ट वाली, मेसेंटेरिक ऑर्गन लेफ्ट और राइट। यहाँ हार्ट से कई वेन्स गई है, सबक्लेवियन राइट और लेफ्ट साइड, और फिर यहाँ है ब्रैकियल, ह्यूमरल, इंटरनल जगुलर एंड एक्सटर्नल जगुलर। रेड लाइंस मेन आर्टरीज है। ओ गुरुजी, ब्रेक मारो, ब्रेक मारो, ब्रेक मारो, हमको भी बोलने दो। तो अभी अपन सब लोग इस मार्कर से डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे क्या? अगर कोई गलती से घायल भी होता है तो कोई हॉस्पिटल नहीं जाएगा, खुद ही हैंडल करना होगा। साला ये लोग मरवाएगा, अबे चुप करना। अरे बाबा, उस बिल्डिंग में फंसा रहने तक तो ठीक था, लेकिन अपने को जिंदा रहने का। डेनवर, हमें सिर्फ गोली निकालना सिखा रहे हैं प्रोफेसर, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझे? बस करो तुम लोग, इतना भी मुश्किल नहीं है। एक फ्लायर उठाओ, गोली पकड़ो, खींच निकालो और हो। हाँ, जैसे कि खाने का काम है ना ये। देखो, आप उनको गोली पड़ी तो आपको हॉस्पिटल जाना, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से लंगड़े होकर आजाद रहना बेहतर है, जेल जाकर फिट रहे। कोई बाहर नहीं जाएगा, अगर गलती से भी किसी की पहचान हुई तो सब खत्म। किसी को पीछे हटना है तो यही सही वक्त है, नहीं तो चोरी होने तक सब लोग यही रहेंगे। तो रिसर्च होगी? ठंड से मेरा बाबूराव हेल्सिन की जितना हो गया है। ये बोला मेरे बाबूराव के बारे में? ओके, बहुत हो गया। ओके, शांत हो जाओ प्लीज, कपड़े पहन लो, कोई और आ जाओ। डायरेक्ट जाके कम ऑन। नहीं 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 नहीं।